हेलो दोस्तों, मॉन्यूमेंट एक्सप्लोरेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे आगरा में स्थित सिकंदरा के पास मरियम टॉम जगह के बारे में। ये इमारत मरियम जमानी के याद में बनाई गई है, जो कि अकबर की पत्नी तथा सलीम की माँ थी। सलीम को बाद में जहांगीर के नाम से भी जाना जाने लगा। जब जहांगीर गद्दी पर बैठा, तब अकबर ने उसे मरियम जमानी का नाम दिया। और मरियम जमानी का मतलब होता है विश्व पर दया रखने वाली। मरियम वास्तव में आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी। और यह इमारत 1623 में उसकी मृत्यु होने हो जाने के बाद जहांगीर द्वारा बनवाई गई। वास्तव में यह इमारत लोदी काल की बारादरी थी और इसको बनाने में 4 साल का वक्त लगा था। और यह इमारत 1627 में बनकर पूर्ण हुई थी। हाँ, इस बिल्डिंग की खास बात यह है, इसमें मरियम की कब्र है। कब्र तीन पार्टों में, तीन तीन हिस्से, तब कब्र के तीन हिस्से हैं टोटल मिला के। जैसा कि आप देख, आपको इसमें हम दिखाएंगे कब्र की एक तस्वीर। और इसके अलावा एक कब्र है जो तहखाने में है, एक कब्र जो है वो मध्य में स्थित है, और एक कब्र है जो कि छत पर स्थित है। तो इसमें तीन जगह पर कब्र को अरेंज किया हुआ है। बट यह है तो वहाँ पे किसी को नहीं पता है कि मतलब क्या कब्र का होने की वजह तीन जगह पे क्यों है। और ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर ताजमहल में भी मिलता है कि कब्र को तीन जगह रखा गया है, एक मध्य में, एक ऊपर। ऊपर वाली जो कब्र होती है वो सभी को देखने के लिए होती है, तहखाने वाली जो असली कब्र होती है, और जो छत वाली होती है कि दूर दूर से भी उस कब्र को देखा जा सके। बेसिकली यही यहाँ का भी होगा। तो हम इस इमारत के बारे में कुछ बातें बताएंगे। जैसा कि यह इमारत टोटल 9 भागों में विभाजित की गई है, और हर एक पार्ट में तीन पार्टों का कॉम्बिनेशन है, जो कि एक अलग ही आकृति को सुशोभित करता है। इस इमारत के चारों ओर गार्डन बने हुए हैं, जो कि एक लुभावना प्रतीत देता है। सेंट्रलाइज बिल्डिंग है, जो कि आपका एक बेहद ही शानदार, आलीशान, और एक मतलब कैसे कहते हैं ना कि देखते ही मज़ा आ गया, ऐसा लुभावना प्रतीत होता है। और इसकी जो आर्किटेक्चर है वो तो एकदम गजब है। जैसे कि आप अगर आप आएंगे तो आप उसकी जो छज्जा है, उसके जो मतलब पिलर्स होते हैं, और उसके क्या कहते हैं जो सपोर्टर्स होते हैं, जैसे कि आपका होता है सिंपली सपोर्टेड बीम, और कहते हैं कैंटिलीवर बीम का जो भी कॉम्बिनेशन होता है वो एकदम सटीक यूज़ किया गया है। और उसमें भी एकदम कारीगरी, जो मुगल कालीन कारीगरी है, उसको ये अच्छी तरह से दर्शाता है। आप देख सकते हैं इसके चारों ओर 5-5 के कॉम्बिनेशन में पेड़ भी लगे हैं, जो कि एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप का, एक कॉम्बिनेशन टाइप का, मतलब एक कहते हैं ना कि मतलब मस्त सा लग रहा है ना, तो वही वाली फीलिंग आती है इसमें देख के। Thank you.
अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो या फिर थोड़ा भी पसंद आया हो तो उसको लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और हमारा जो चैनल है, हम आपको इन सारी इमारतें जो भी आपकी अवेलेबल हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे और उसके जो हिडन पार्ट्स हैं उसको हम दिखाना चाहते हैं। और जो इमारतें आप अगर किसी भी जगह को घूमने जाते हैं तो वो भी नहीं मिल पाती है, तो उन जगह के बारे में भी हम एक्सप्लेन करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। और एक छोटी छोटी इमारतें हैं जो कि बंद रहती हैं, सबको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा।